दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज हम एक विशेष टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। वो टॉपिक है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, किस में लाभ है, किस में फ़ायदा है, किस में ज़्यादा। कई लोगों के जो है सवाल मन में बने रहते हैं, कई लोग इसे जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें कई लोगों की धारणा है कि पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम में 2004 के बाद के भर्ती की लोगों की पेंशन नहीं है, ये है सो है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि जिस तरह से सरकार उसको प्रति हर महीने एनपीएस के भी उसमें 10% से 14% डीए बेसिक पेंशन बेसिक पे और उसका डीए जमा कर रही है और उतना ही पैसा उसके वेतन से ले रही है, और ये पैसा लोगों का मानना है कि करोड़ों में भी हो सकता है रिटायरमेंट 60 साल की एज आयु में सर्विस के जब उसकी आयु हो जाएगी तो वो रिटायरमेंट के साथ समय उसको करोड़ों रुपया मिल सकता है। जैसे अगर उसको कम से कम अगर एक सामान्य कर्मचारी एक जैसे सपोज हवलदार रैंक तक जैसे पैरामिलिट्री फोर्स है उसको लगभग 1 करोड़ रुपए से के आसपास उससे ज़्यादा भी उसका फंड बन सकता है। क्योंकि जैसे अगर सपोज एक जवान की एक हौलदार की अगर सामान्य औसत बेसिक पेंशन 30,000 से 40,000 रुपए के बीच में सपोज एवरेज अब आने वाले समय में 50,000 भी होगी, 60,000 भी होगी, 70,000 भी होगी, तो अगर 40,000 भी उसकी एवरेज बेसिक पेंशन 60 साल तक की मानते हैं तो 40,000 का मतलब होता है कि पर मंथ 10% 4,000 और एवरेज आप 50% डीए पकड़ते हैं तो उसका 2,000 उसका 50% के हिसाब से डीए तो 6,000 रुपये, 4,000 + 2,000 6,000 रुपये, और 6,000 रुपये गवर्नमेंट उसके खाते में जमा करेगी पेंशन खाते में और एनपीएस खाते में, और 6,000 रुपये उससे तो 12,000 पर मंथ उसका जमा होता है एवरेज। तो एवरेज जो है सपोज अभी किसी की बेसिक कम होगी, 30 होगी, 25 होगी, तो एक मैं एवरेज बता रहा हूँ, आगे का मिनिमम एवरेज बता रहा हूँ, 40 से ज़्यादा भी हो सकती है एवरेज पेंशन का, 50 भी हो सकती, 60 भी हो सकती, 60 साल की उम्र तक तो उसकी 1,00,000 भी बेसिक पेंशन हो सकती है, 1,00,000 से भी ज़्यादा हो सकती है एक नॉर्मल हौलदार की। तो एवरेज मैं एक बता रहा हूँ, तो अगर उसके खाते में एनपीएस खाते में 6,000 रुपये जमा हो रहे तो अगर उसकी 60 साल की उम्र तक अगर उसकी सपोज 40 साल सर्विस होती है तो 40 साल सर्विस का अगर हर महीने उसका जो है हर साल उसका 1,20,000 रुपया जमा होता है तो उसका ब्याज लगा के वो तो करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर का उसका इंटरेस्ट सहित 2 करोड़ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है, और ओपीएस जो पुराने पेंशन अगर वो उसमें से अगर उसको इतना पैसा मिलता है, अगर 1 करोड़ रुपए भी वो नॉर्मल अगर जिस प्रकार से अभी पोस्टल विभाग जो हर महीने ब्याज देता है जो मंथली पेंशन स्कीम में लगभग 1,00,000 रुपए में 500 से 600 रुपए ब्याज देता है, अगर आपने एनपीएस के अंदर हैं, अगर आप 1 करोड़ रुपए आपको मिल रहा है, 1 करोड़ रुपए अगर आपको आप अगर मंथली स्कीम पेंशन स्कीम में
एक में बात कर रहा हूँ, वैसे आप 60% तक ही उसका निकाल सकते हैं। तो अगर आपको 1.5 करोड़ आपका बन रहा है तो आप 1 करोड़ आप उसमें डालते हैं, 60% 1.5 करोड़ का लगभग 90,000 रुपये उसमें डालते हैं, तो 90,000 का 950 रुपये, अगर 1,00,000 रुपये में आपको ब्याज मिलता है तो 45,000 रुपये आपको पर मंथ ब्याज मिलेगा, लेकिन आपकी पेंशन अभी इतनी नहीं मिलेगी। तो एक मैं एवरेज बता रहा हूँ, तो अगर उसके बाद, ये तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, तो कुल मिला के, लेकिन लोगों को ये लगता है कि भाई एक जो OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो एक गारंटेड है, एक विश्वास की हुआ है उसमें मिलेगा ही मिलेगा। इसमें यह है कि अब ये क्या है कि अभी मैं बताता हूँ इसको, OPS सेवानिवृत्ति के बाद जो जवान कर्मचारी को निश्चित जो है ये प्रदान करता है, आपको पैसा प्रदान करता है, पेंशन प्रदान करता है, और पेंशन राशि उसके अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर होती है। सपोज उसने लास्ट पेंशन आते समय उसकी 40,000 बेसिक पेंशन थी, तो उसका बेसिक पेंशन का 50% 20,000 रुपये प्लस दिए और 1,000 मेडिकल उसको मिलना ही मिलना है। NPS एक निवेश पेंशन योजना है, और इसमें जो प्रतिभूति ऋण इक्विटी शेयर मार्केट में इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, और उसका जो भी मुनाफा होता है उस आधार पर उसे पेंशन उसको मिलती है। तो ये फर्क है, और कि ज़्यादा भी फायदा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है, तो ज़्यादा इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लेकिन ये है कि लोगों का मानना है कि जो सिक्योरिटी फोर्स हैं उनके लिए जो है यही जो ओल्ड पेंशन स्कीम है यही लागू होनी चाहिए, क्योंकि और ये जायज़ भी है, क्योंकि देश के रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ, चाहे पैरामिलिट्री हो मिलिट्री हो, उसका जवान की एक कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और देश को ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये जायज़ है कि उसको OPS ही, लोगों का मानना है कि OPS मिलना चाहिए। तो आज हम यही बताएंगे, हमने एक डेटा के अनुसार ये ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का ये डाटा निकाल रखा है, तो और हम बताते हैं क्या है, संक्षेप में बताएंगे, वीडियो लंबा होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, और NPS में कर्मचारी के वेतन से 10% प्लस DA की कटौती होती है, और 10% बेसिक और DA सरकार गवर्नमेंट उसके खाते गवर्नमेंट खुद देती है। पहला तो ये है, इस तरह से उसका जो है, सपोज हमने पहले उदाहरण दिया था, अगर उसकी 50,000 बेसिक पेंशन है या 40,000 है, तो उसका लगभग 6,000 रुपये उसको गवर्नमेंट जमा करेगी और 6,000 रुपये उसके पे से काटेगी, तो इस तरह से उसका 12,000 रुपये एक एवरेज जमा होगा। दूसरा पॉइंट है, पुरानी पेंशन योजना में GPF जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, और NPS में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है, जोड़ा गया है। तीसरा पॉइंट है, पुरानी पेंशन OPS एक सुरक्षित पेंशन योजना है, इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है, मतलब करना ही करना है। नई पेंशन योजना NPS शेयर बाजार आधारित होती है, बाजार की जो चाल के आधार पर इसका भुगतान किया जाता है, जैसा जितना मुनाफा बाजार को होगा, इसमें फंड को होगा, उस हिसाब से उसको ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। पुरानी पेंशन OPS में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के का जो 50% निश्चित पेंशन मिलेगी, आधा जितनी लास्ट उसने सैलरी ड्रॉ करी, सपोज 50,000 करी तो 25,000, 40,000 करी तो 20,000 बेसिक पेंशन मिलेगी उसको। NPS में रिटायरमेंट के समय जो है निश्चित पेंशन की कोई पक्की वो नहीं है, योजना नहीं है, और लेकिन उसको एक मुश्त काफ़ी पैसा मिलेगा, और उसको वो इन्वेस्ट करके, जैसे
अगर उस वो 50 लाख अगर MIS में भी जमा करता है तो काफ़ी उसको 30-40 हज़ार उसका ब्याज मिल जाता है हर महीने, और 1 करोड़ करता है तो और ज़्यादा मिलता है। तो उसी तरह पुरानी पेंशन में 6 महीने के बाद मिलने वाला जो DA महंगाई भत्ता लागू होता है, और NPS में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है, वो एक मुश्त ही मिलेगा। और OPS में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी लागू है, NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुटी का अस्थाई प्रावधान है, और इसमें यह है कि समय समय में बदलाव होते रहते हैं, ये ग्रेजुटी ये अस्थाई प्रावधान है, मिल भी सकती है आगे को, कितनी मिलेगी मिलेगी तो ज़रूर वो नियमों के हिसाब से रूल्स के हिसाब से होगा। OPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, फैमिली पेंशन देख लो OPS में मृत्यु होने पर। NPS में सर्विस के दौरान यदि किसी की बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसमें फैमिली पेंशन का प्रावधान है। NPS में भी सर्विस के दौरान यदि मौत होती है तो फैमिली पेंशन मिलेगी उसको पूरी, लेकिन जो उसका जो जमा योजना में जो सरकार ने जमा किया है वो सरकार के खाते में जमा हो जाएगा और उसको फैमिली को मौत होने पर पेंशन मिलेगी। OPS में रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है, और NPS में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर उसमें जो पैसा मिलेगा उस पर जरूरी टैक्स देना पड़ेगा। OPS में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए GPF में से कोई निवेश नहीं करना पड़ता। NPS में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए NPS फंड का 40% पैसा इन्वेस्ट होता है। सपोज आपको 1 करोड़ रुपया आपका बन गया तो आपका 60 लाख रुपये आपको मिल जाएगा और 40% आपका वहाँ पर जमा हो जाएगा उसमें पेंशन फंड में, आपको जो उसका हर महीने आपको ब्याज पेंशन के रूप में मिलेगा। सपोज 1 करोड़ रुपये 60 साल उम्र के बाद आप रिटायर होते हैं तो 40 लाख रुपये आपको वहाँ जमा हो जाएगा, आपका 60 लाख आपको कैश मिल जाएगा। OPS में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, और NPS में प्रावधान ऐसा नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी जो FMA है, लेकिन NPS में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो ये आप वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले बार हम और विस्तार पूर्वक समझाएंगे, और फिर ये खास पॉइंट थे जो क्या क्या मिलेगा, फैमिली को पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, और आपको पेंशन लगभग कितना पैसा मिलेगा, कितने पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आपको पेंशन ज़्यादा भी मिल सकती है कम भी मिल सकती है, उसका इन्वेस्टमेंट आप कैसे करोगे, तो ये इम्पोर्टेंट। सपोज आपके NPS में 60 साल की उम्र में आपके 2 करोड़ रुपये बन गए तो आपको 2 करोड़ में 1 लाख उसका 60% लगभग 1,20,000 रुपये एक करोड़ बीस लाख रुपए आपको कैश मिल जाएगा, और 80 लाख रुपए आपके पेंशन इक्विटी फंड में जमा हो जाएगा। अगर 1 करोड़ मिलता है तो आपको 60 लाख रुपए आपके आपको कैश मिल जाएगा, और 40 लाख रुपए आपके पेंशन इक्विटी फंड में जमा हो जाएंगे, और उसका हर महीने आपको ब्याज के तौर पर पेंशन मिलेगी। तो ये था आज का OPS और NPS क्या है इसके बारे में जानकारी। आने वाले समय में और भी हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि लोगों को ये जानकारी, जिसे जानकारी नहीं है, पता चल सके। नमस्कार, जय हिंद।